किसी भी काम को करने के लिए शोर नहीं, साइलेंस चाहिए। जिप योर माउथ, यानी अपना मुंह बंद रखो। कोई नया काम करना हो या कोई नया काम कर रहे हो, हमेशा अपने मुंह को बंद रखो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कोई प्रॉपर्टी लेनी हो, लोगों को तब बुलाओ जब उस घर का गृह प्रवेश कराना हो। प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लो, उसकी प्लानिंग कर लो, सारी चीजें अपने आप चुप रह के कर लो, और लोगों को तब बताओ जब उसकी गृह प्रवेश की बारी हो। प्यार, मोहब्बत, मेहनत, परिश्रम, ये सब अकेले में शांत होकर होनी चाहिए। किसी को डेट कर रहे हो, किसी को मत बताओ। लोगों को तब बताओ जब उसे तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए। लोगों को सीधे शादी में बुलाओ, लोग सरप्राइज रह जाएंगे। स्वागत है आपका फिर से एक मदरसा स्टूडियो में, जहाँ पे आप सीखें कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। नंबर वन, बंद मुंह की मछली कभी कांटे में नहीं फंसती। एक शिकारी मछली पकड़ने के लिए जाल पानी के अंदर डालता है या कांटा फेंकता है, लेकिन जो मछली बोलती है वो हमेशा उसमें फंस जाती है। इस बात का सिम्टम है, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा अपने लिए, अपने मंजिल के लिए मुश्किलें खड़ी करते जाओगे। इसीलिए बेहतर ही है चुप रहो, शांत रहो, अकेले में चुपचाप काम करो, और लोगों को सीधे रिजल्ट दिखाओ कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है। सीधे रिजल्ट दिखा के लोगों को चौंका दो, सभी के सभी हैरान हो जाएंगे। ये कैसे किया, ये तो फालतू की चीज़, फालतू काम करता फिरता था, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था, फिर भी इसने इतनी सारी चीज़ें कैसे अचीव कर ली। यही चीज़ लोगों को हैरान कर देगी। नंबर दो, पैरिसिस योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को हमेशा छुपा के रखो। तुम कितने बलशाली हो, तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हें कितना ज्ञान है, ये चीज़ तब तक किसी के सामने नहीं उजागर करनी जब तक उसकी आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है, जो जितना बोलता है वो उतना फंसता है, और लोग उसे उतना ही बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जो जितना शांत और गंभीर रहता है उसकी बातों में लोग खो जाते हैं, सीरियसली लेते हैं। बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि लोग सुनने के लिए उस चीज़ को उत्सुक हो। समंदर की तरह शांत बनो, गहरे शांत लेकिन अपार संभावनाएं लिए, अपने अंदर अपार गहराइयां छुपाए एक विशाल सागर की तरह। नदियां आवाज करती हैं, समंदर हमेशा शांत रहता है। अपने बल, शक्ति, बुद्धिमता, हमेशा इनको प्राइवेसी में रखो। जब तक जरूरत पड़े ना तब तक इसे उजागर नहीं करना। वर्क इन साइलेंटली, एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपका दिन रात, आपने कैसे तैयारी करी, आपने कैसे चीज़ों को बनाया, आपने कितना कुछ सीखा, ये सब कुछ चुपचाप खामोशी से होनी चाहिए। घर के किसी कोने में एक लालटेन या दिया या थोड़ी सी रोशनी में भी किताब खोल के चुपचाप पढ़ते रहना और चीज़ों को सीखते रहना, ये ठीक वैसे ही है जैसे माइंड आपका हर समय सीखने के लिए तत्पर हो। मेहनत का दिखावा मत करो, पढ़ने का ढोंग मत करो, और काम करने का लोगों के सामने मजाक मत बनाओ। तुम कितना काम कर रहे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे बड़े बड़े प्लान्स, तुम्हारे बड़े बड़े गोल्स, तुम ये करना चाहते हो, तुम ये बनना चाहते हो, ये सारी चीज़ तुम्हें पसंद है, तुम्हें कार लेनी है, तुम्हें बड़ा घर लेना है, तुम्हें जो कुछ भी पाना है या जो कुछ भी तुमने सोच रखा है, ये बातें कभी किसी को बताने के लायक नहीं होती तब तक जब तक कि तुम ये सारी चीज़ें पा नहीं लेते। पहले ही सारी बातों को उजागर करके बस और बस इंसान का मजाक बनता है, इसलिए जिप योर माउथ एंड वॉक साइलेंटली। चेस खेल को आपने देखा है, चेस खेल में अपना ओपोनेंट तभी सामने वाले से बात करता है जब उसे चेकमेट बोलना होता है। ठीक वैसे ही आपको अपना विजन लोगों को नहीं बतानी है। जब आप ऐसा करते हो, ये सारी चीज़ों को अपने आप पे अप्लाई करते हो, तब आप काम करने में फोकस रहते हो, तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके काम की तरफ होता है। अगर आप उस काम में फेल भी हो जाते हो तो आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, जो कुछ भी है वो आपको पता है। दुनिया को जब मालूम ही नहीं कि आप कर क्या रहे थे, फिर आप असफल भी हो गए तो इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर से एक नई तैयारी करके फिर से नई रणनीति बना सकते हो, लेकिन जब आप लोगों को प्लान बता रखे होते हो तब उन्हें फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तब उनको जवाब दिया नहीं जाता कि आपके क्या हुआ, आपके बड़े बड़े गोल, आपके बड़े बड़े एम्बिशंस, आपकी बड़ी बड़ी बातें, तब सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों का बकवास बनता है। इसीलिए कीप साइलेंस।